आज के इस दौर में इंटरनेट तो हम सब लोग ही यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट के बारे में कितना जानते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10%। हम लोग पूरे ज़िंदगी में सिर्फ 10% वेब को ही विज़िट कर पाते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई वेब है जो हमसे छुपी हुई है। मतलब एक आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए वहाँ पर जाना इम्पॉसिबल ही है, लेकिन वो हमसे छुपी क्यों है, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं, देखिए लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट असल में तीन हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला है सरफेस वेब, जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा है डीप वेब, एंड लास्ट है डार्क वेब। तो डार्क वेब के बारे में हम दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं डीप वेब के बारे में। डीप वेब असल में होता क्या है, इसे कौन लोग यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, क्या हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डीप वेब असल में होता क्या है। तो डीप वेब इंटरनेट का एक ऐसा कोना है जो गूगल पे इंडेक्स नहीं होता है। मतलब आप गूगल पे सर्च करके डीप वेब पे नहीं जा सकते। तो डीप वेब को सर्च करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं टॉर ब्राउज़र या फिर टॉर प्रोजेक्ट। तो टॉर के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, टॉर ब्राउज़र के अंदर एक सर्च इंजन होता है, जिसे कहते हैं डकडकगो। डकडकगो एक स्पेशल तरीके का सर्च इंजन होता है, जो आपको स्पेशली डीप वेब को सर्च करने में मदद करता है। एक ऐसा लौता सर्च इंजन होता है जो आपको डीप वेब पे ले जा सकता है। दोस्तों, डीप वेब में जाने के लिए आपको एक लिंक की ज़रूरत है। तो लिंक आपको वही लोग दे सकते हैं जो पहले डीप वेब को सर्च कर चुके हैं, या फिर डीप वेब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि डीप वेब का जो लिंक होते हैं, वो स्पेशल तरीके से छुपाया हुआ होता है, ताकि हमारे जैसे आम आदमी वहाँ पे नहीं जा सके। दोस्तों, डीप वेब असल में अच्छे कामों के लिए शुरू किया गया था। अमेरिका का जो सरकार है, वो इस डीप वेब को शुरू किए थे, क्योंकि अमेरिका का जो आर्मी है, उनका पर्सनल डेटा यहाँ पे स्टोर करने के लिए। क्योंकि सरफेस वेब सब लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए डीप वेब को शुरू किए थे। क्योंकि डीप वेब में सबको जाना अलाउड नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो इनक्रिप्ट रहता है। मतलब एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा यहाँ पर क्या लिखा है। एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ताकि कोई भी अगर उसे मिल भी जाए ये फाइल, तो उसे समझ नहीं आए कि यहाँ पे क्या लिखा है। दोस्तों, सबसे बुरा तो तब हुआ जब डीप वेब का इस्तेमाल किसी बुरे कामों के लिए करना शुरू हो गया। यहाँ पे आपको बहुत तरीके का इल्लीगल काम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ड्रग्स का डील करना, यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी करना, कि ह्यूमन ऑर्गन्स को बेचना, वो भी बेयर कैनोनी से। तो ये सब काम यहाँ पे धड़ल्ले से चलता है, एंड ये काम को कोई रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी को हैक करना या फिर किसी को ट्रेस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। दोस्तों, जो भी बुरे हैकर होते हैं, वो लोग खुद के काम को अंजाम देने के लिए इस डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बुरे हैकर्स को पता है कि यहाँ पे किसी को ट्रेस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। अगर पुलिस भी चाहे, तब भी ये काम बहुत ही मुश्किल है। तो इसी कारण से हैकर को इस डीप वेब बहुत ही अच्छा लगता है, एंड यहाँ पे हैकर का ही बसेरा होता है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे रेड रूम करके भी एक जगह है, जहाँ पर दिन दहाड़े एक लड़की के ऊपर टॉर्चर किया जाता है। तो ये जो टॉर्चर करने वाले होते हैं, ये लोगों को पैसे मिलते हैं व्यूअर्स से। मतलब जो देखते हैं उस वीडियो को, वो लोग पैसे देते हैं और भी ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए। एंड आखिर में जिसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको मार देते हैं लोग। यहाँ पे ऐसी कुछ आर्टिकल मिला है, जिसमें लिखा है कि एक ह्यूमन को कैसे मारा जाता है, एक ह्यूमन में सबसे ज़्यादा टेस्टी ऑर्गन कौन सा होता है, एंड एक ह्यूमन को कैसे काटते हैं, एक ह्यूमन को कैसे यहाँ पे पकाया जाता है। ये सब यहाँ पे धड़ल्ले से चलता है। मतलब आप सोच सकते हो, यहाँ पे आर्टिकल में ये सब छपता है। दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी से डीप वेब में जा सकते हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से डीप वेब से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको खींच के रखेंगी वहाँ पे और भी ज़्यादा सर्च करने में, और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में।
एंड मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीबीआई का बहुत ज़्यादा रेड पड़ता है, क्योंकि वो एक इलीगल जगह है, तो इसके लिए वहाँ पे जाना बहुत ही सेफ नहीं है। आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो डीप वेब होते हैं वो हमारे जैसे आम लोगों के लिए नहीं होते हैं, वो एक्चुअली हैकर्स का बसेरा होते हैं। एंड वहाँ पर जाना आपके लिए सेफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा वहाँ पर सीबीआई का बहुत ज़्यादा रेट पड़ता है, एंड अगर वहाँ पर आप पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है, इसके लिए वहाँ पर जाना आपको मना ही है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट में बोलना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।